उधर बड़ी खबर आई इसराइल की उत्तरी सीमा से, वहां जंग छिड़ने के आसार बन गए हैं। लग रहा है कि लेबनान सीमा पर किसी भी वक्त जंग शुरू हो सकती है। इसराइल ने अपने 1,00,000 सैनिकों को लेबनान सीमा पर तैनात कर दिया है। ऐसा तब हो रहा है जब इसराइल की सरकार गाजा में चल रहे ऑपरेशन को रोकने जा रही है। बंधकों की रिहाई के बदले इसराइल ने गाजा में युद्ध रोकने का फैसला किया है, लेकिन गाजा में जिस वक्त लड़ाई पर ब्रेक लगता दिख रहा है, उसी वक्त लेबनान सीमा पर जंग छिड़ती दिख रही है, क्योंकि इसराइल की फौज और हिजबुल्ला दोनों ही जंग के लिए पूरी तरह तैयार दिख रहे हैं। मतलब साफ दिखा कि एक तरफ गाजा में जंग थम रही है तो दूसरी तरफ इसराइल की उत्तरी सीमा पर नई जंग की शुरुआत होती दिख रही है, क्योंकि इसराइल ने लेबनान बॉर्डर को छावनी में तब्दील कर दिया। लेबनान सीमा पर अब तक रुक रुक कर केवल हवाई हमले हो रहे थे, जबकि जंग चल रही थी गाजा पट्टी में। मगर अब जब गाजा पट्टी में जंग के थमने के आसार बन रहे हैं, तो लेबनान सीमा पर जंग शुरू हो सकती है। मतलब एक तरफ हमास के लड़ाकों से इसराइल का युद्ध थमेगा, तो दूसरी तरफ हिजबुल्ला के साथ उसी वक्त युद्ध का बिगुल बज उठेगा। अब तक केवल गाजा पट्टी से ही विनाश की तस्वीरें सामने आ रही थी, लेकिन अब लेबनान में जंग की वजह से तबाही हो सकती है। गाजा पट्टी में इसराइल की फौज का ऑपरेशन शुरू होने के बाद से ही हिजबुल्ला जंग की धमकियां दे रहा था, और अब जंग किसी भी पल छिड़ सकती है। यही बात ईरान की तरफ से भी कही गई। खबर है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई के एक करीबी ने यह दावा किया कि हिजबुल्ला इसराइल के खिलाफ जंग के लिए एकदम तैयार है। मतलब जैसे ही हिजबुल्ला ने देखा कि एक मोर्चे पर जंग रुकने जा रही है, उसने इसराइल पर बड़े हमले का प्लान तैयार कर दिया। इसकी तरफ इशारा खुद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई के खास माने जाने वाले हसन नौरोजी ने किया। हसन नौरोजी ने यह दावा किया कि जल्द ही इसराइल को दूसरे मोर्चे पर भी जंग की आग में झुलसना पड़ेगा। मतलब ईरान की सेना ये नहीं चाहती कि इसराइल की सेना जरा सी भी सांस ले पाए। हमास से जारी जंग के बीच ऐसा पहली बार है जब इसराइल सीज फायर के लिए तैयार हुआ। मगर ईरान को ये बात बहुत अच्छे तरीके से पता है कि अगर इसराइल को आगे के हमले के लिए तैयारी का मौका मिल गया, तो वो हमास पर और ज्यादा ताकतवर हमले कर पाएगा। माना जा रहा है कि इसराइल को जंग में उलझाए रखने के लिए ही ईरान ने हिजबुल्ला से पूरी ताकत के साथ इसराइल पर हमले का इशारा कर दिया। लेकिन इसराइल को भी उसकी उत्तरी सीमा पर बन रहे जंग के हालात की पूरी खबर है, और इसलिए वो भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा। खबर है कि उसने अपने 1,00,000 सैनिकों की तैनाती लेबनान बॉर्डर पर कर दी। मतलब ये कि इसराइल को भी अपने ऊपर मंडरा रहे खतरे का पूरा अंदाजा है, इसलिए जैसे ही उसे ईरान से चेतावनी मिली, उसने भी अपने सैनिकों को जान झोंकने के लिए लेबनान बॉर्डर पर तैनात कर दिया। खबर के मुताबिक इसराइल ने लेबनान बॉर्डर पर अपने 1,00,000 सैनिकों को तैनात कर दिया। इसराइल लेबनान से करीब 120 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, मगर छोटी सी लेबनान सीमा पर 1,00,000 सैनिकों की तैनाती बहुत बड़ी बात है। लेकिन लेबनान में बैठे हिजबुल्ला को इसराइल हल्के में नहीं लेना चाहता, लेकिन जैसे ही इसराइल को इस बात की भनक लगी कि हिजबुल्ला उस पर विध्वंसक हमले की तैयारी में जुटा है, तो उसने भी अपनी ताकत दिखा दी और लेबनान बॉर्डर पर 1,00,000 सैनिकों को हिजबुल्ला से लोहा लेने के लिए तैनात कर दिया। और इसराइल की ये तैयारी इसलिए जरूरी है क्योंकि हिजबुल्ला हमास से कहीं ज्यादा ताकतवर माना जाता है। उसके पास न तो हथियारों की कमी है, न ही ताकतवर दोस्तों की कमी है। और बीते कुछ वक्त में हिजबुल्ला ने अपनी ताकत को कई गुना बढ़ाया है, जिसमें ईरान के कई दोस्तों ने भी उसकी बढ़ चढ़कर मदद की है। लेकिन इसराइल की सेना के गाजा पर हमले के बाद हिजबुल्ला अपनी ताकत उस तरह से बढ़ाना चाहता है कि इसराइल की सेना को घुटने पर ला सके, क्योंकि छोटी मोटी लड़ाई वो इसराइल से कई बार लड़ चुका है, और इसलिए वो इस बार अपने हथियारों के जखीरे में ड्रोन, खतरनाक मिसाइलें और एंटी शिप मिसाइलें भी जुटा रहा है, ताकि जंग के मैदान में जब इसराइल की सेना से खुलकर आमना सामना हो, तो लड़ाई आर पार की हो जाए। और खबर है कि ईरान के अलावा उसके कई दोस्त भी हिजबुल्ला के लिए हथियारों की मदद पहुंचा रहे हैं, क्योंकि वो भी इसराइल को बर्बाद होते देखना चाहते हैं।